जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में बेसिकली दोस्तों है क्या, जो मैंने सोलर वाली वीडियो डाली थी तो उस वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे, वो बोल रहे थे कि भाई आपने सिर्फ सोलर को दिखाया है, बैटरी और इन्वर्टर कैसा लगाया है और क्या उसकी पावर रहेगी और क्या उसका प्राइस है दोनों चीज़ों का। तो वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसमें मैं पहले बताऊंगा आपको कि जो बैटरी है वो किस टाइप की मैंने बनवाई है और क्या उसकी कैपेसिटी है, दूसरा इन्वर्टर कौन सा है और कितनी इन्वर्टर की जो है लोड कैपेसिटी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो आगे शुरू करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि पावर मैनेजमेंट के लिए जो सबसे मेन चीज है इन्वर्टर और बैटरी वो कैसी ली है और क्या उसकी परफॉर्मेंस है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ये है बैटरी और ये है इन्वर्टर। इन्वर्टर जो है वो स्मार्टन कंपनी का है और ये 3.5 किलोवाट का MPPT ये यूनिट है, जिसमें ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है MPPT सोलर पावर कंडीशनिंग यूनिट। ये काफ़ी लोड ले लेगा, तो कैंपर वैन में 3.5 किलोवाट से ज़्यादा तो लोड होता नहीं है। इसकी जो है इनपुट चार तरह से मुझे बनानी है। पहला इनपुट तो आएगा सोलर से, दूसरा इनपुट ये लेगा गाड़ी से, जब गाड़ी चलेगी तो उसको उसका जो अल्टरनेटर चलेगा उससे ये बिजली के एज ए इनपुट लेकर और इस बैटरी को चार्ज करेगा। तीसरा सोर्स होगा इसका आउटर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अपन गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं और सपोज करो वहाँ अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी है बाहर कहीं, तो वहाँ से भी अपन लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये इन्वर्टर का साइज आप देख रहे हो, ये मेरा हाथ, इससे आप आइडिया लगा सकते हो इस तरह से ये इसकी हाइट है। तो इसकी हाइट करीबन ये 10 इंच चौड़ा है और 1 फुट जो इसकी हाइट है, जो इसकी डेप्थ है वो भी बस 1 फुट या उससे 1-2 इंच ज़्यादा है। पीछे से दिखा देता हूँ क्या इसमें कितने क्या वायर्स हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये वायर्स हैं, इसमें 3 अलग अलग वायर्स हैं। एक ब्लैक के नीचे से है मेंस, जो कि मेन की लाइट आएगी तो वो ये वाला वायर है, और ये दोनों बैटरी के वायर हैं, ये प्लस और ये माइनस। और पीछे 2 इसमें फैन है, तो इन्वर्टर के पीछे बस एक ये MCV है, नीचे बाकी इसके आउटपुट हैं। आगे ये बटन से कुछ और डिस्प्ले है। तो ये था इन्वर्टर और अब मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है बैटरी। जो बैटरी है वो लिथियम फास्फेट बैटरी है P4 सेल के साथ, और इसमें आप देख रहे होगे कि ये बाहर ये एक लकड़ी टाइप सी लगी हुई है चारों तरफ। ये दोस्तों जो बैटरी थी ये ऐसे ही जैसे ये इन्वर्टर का बॉक्स है ऐसी लोहे के बॉक्स में थी, तो मैंने वो बॉक्स हटवा के ये जो है ना फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ और शॉक प्रूफ ये वाली जो लकड़ी तो नहीं है, एक कोई सीट होती है, मैं इसका नाम भूल गया कौन सी सीट होती है ये, तो ये जो हमारे जिन्होंने सोलर लगाया उन्होंने स्पेशली ये चीज़ लगाई है, और इसमें जो है ना नीचे ये छेद कर दिए हैं, तो ये जो गाड़ी के ऊपर जब रखी जाएगी तो उसमें फ्रश में फ्लोर के अंदर ये पेंच लग के और ये टाइट हो जाएगी, तो ये बैटरी हिलेगी नहीं। और ये पूरे जो है ना एक तो ये बोर्ड लगा, ये बोल्ट लगा दिया लंबा पूरा यहाँ से ऐसे, और एक ये बोल्ट है ये सपोर्ट देने के लिए है। ये सारे सेल है और सेल को अंदर कवर के अंदर बंद कर रखा है, और एक ये यहाँ से सपोर्ट लगा करके ये इधर कर दी, तो इसके अंदर पूरी अच्छे से आपकी बैटरी जो है ना फिक्स है। अब इस बैटरी के ऊपर अगर मैं खड़ा भी हो जाऊँ ना तो भी इस बैटरी को कुछ नहीं होगा। और ये इसके आउटपुट्स हैं, ये वायर लगी हुई है, एक ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, बाकी बैटरी में ऐसा कुछ है नहीं। चारों तरफ से दिखा देता हूँ मैं, ये इसकी बैटरी की कॉन्फ़िगरेशन है। ये 200 AH की बैटरी है, चार्जिंग वार्जिंग प्रॉपर इसमें सब कुछ दिखा रखा है, और ये 24 वोल्ट की जो बैटरी है, जो पूरा सिस्टम लगेगा, जैसे ये बैटरी होगी ये इन्वर्टर हो गया, तो ये 24 वोल्ट में लगेगा
और गाड़ी के अल्टरनेटर से ही चार्ज होगा ये। और जो गाड़ी के अंदर मैं फिटिंग कराऊंगा वो दो तरह की कराऊंगा, एक तो डीसी फिटिंग और एक एसी। जो डीसी फिटिंग होगी वो 24 वोल्ट की होगी। अब ये जो बैटरी है दोस्तों, इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। देखने में ये इतनी सी बैटरी लग रही है, ये इन्वर्टर है तो, और ये बैटरी के साथ आप इसमें देख रहे होंगे, मतलब 16 इंच चौड़ी है और 18 इंच लंबी है टोटल इसकी जो विड्थ और हाइट है। और हाइट इसकी अराउंड 10 इंच के करीब इसकी हाइट भी है। तो ये टोटल डायमेंशन है भाई बैटरी की। अब ये जो 200 AH की बैटरी है दोस्तों, ऑलमोस्ट 6000 वॉट के बराबर है, मतलब 6 किलो वॉट के करीब की ये बैटरी है। और ये 5.5 किलो वॉट का कम से कम आउटपुट निकाल के देगी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बैटरी कितना क्या कुछ कर सकती है। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरे घर का इन्वर्टर, ये MPPT यूनिट है और ये 4 लेड एसिड बैटरी है 200 AH की। और ये जितना बड़ा तामझाम आप देख रहे हो, ये 200 AH की 4 लेड एसिड बैटरी और ये 5 किलोवाट का MPPT यूनिट, जितना लोड ये लेते हैं या जितना आउटपुट ये 4 बैटरी देती हैं उससे ज़्यादा आउटपुट ये बैटरी देगी ये छोटी सी। क्योंकि ये वाली जो है ये लेड एसिड बैटरी है, इनके अंदर सपोज करो अगर ये 5 किलोवाट स्टोर करती है तो ये 4 किलोवाट से नीचे ही आउटपुट देंगी, 1000 किलोवाट से ज़्यादा ये खुद कंज्यूम कर लेती है। और इनकी जो लोड कैपेसिटी है, सपोज करो जो ये 4, मैं सीधी लैंग्वेज में समझा दूँ आपको, जितना बड़ा आपको ये तामझाम दिख रहा है, 4 बैटरे बड़े बड़े और एक MPPT PCU यूनिट, उतना ही बैकअप ये बैटरी दे देगी। क्यों? क्योंकि ये है लिथियम फास्फेट बैटरी और ये बैटरी छोटी होती है साइज में। दूसरी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो ये लिथियम बैटरीज होती हैं इनके लिए ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि इसमें आग लग जाती है, लेकिन उस चीज़ का मैंने पूरा ध्यान रखा है। और जो लिथियम आयन फास्फेट P4 जो सेल होता है वो सेल लगवाया है तो इसमें आग नहीं लगती। अगर किसी XYZ रीजन से आग लग भी जाती है तो ये जो प्रोटेक्शन कवर है ये आग को बाहर लगने नहीं देगा, ये फायर प्रूफ है। तो इसके लिए मैंने ये इसका बॉक्स बनवाया है। अब ऐसा ही बॉक्स था इसका लोहे का, उसमें एक तो ये फ़ायदा नहीं था कि वो वाटर प्रूफ, वो ना तो वाटर प्रूफ था और ना ही फायर प्रूफ था, और उसको इस तरह के बॉक्स को मैं नीचे सेट नहीं करवा पाता। तो इसके लिए ये वाला जुगाड़ किया है। अभी आप कमेंट करके बताना कि क्या ये सही किया या गलत किया। अब मेनली बात क्या है, कुछ लोग लुक को ज़्यादा मैटर करते हैं, बट मेरे लिए लुक इतना मैटर नहीं है बैटरी का, क्योंकि अंदर बॉक्स के अंदर रखी जाएगी। इसके अंदर जो मेन चीज़ है कि ये फायर प्रूफ हो जाए और ये फ्लोर के ऊपर अच्छे से माउंट हो जाए, पेच और जो नट बोल्ट है उसकी सहायता से अच्छे से कस दी जाए ताकि ये चलते टाइम हिले ना। अब ये इन्वर्टर बैटरी कैसे मैं सेट करूंगा गाड़ी में, ये मैं आपको शायद कल या परसों से लकड़ी वाले लग जाएंगे, क्योंकि पीछे एक लकड़ी वाला बुलाया था, वो आधा दिन काम करके और फिर वो भाग गया। वो उसने हाथ उठा दिए, बोला मेरे बस की नहीं है ये काम, मेरे से नहीं होगा। तो दोस्तों कैरावैन के अंदर जो वुडन वर्क है वो सबके बस की बात नहीं है, इसलिए दूसरे लकड़ी वाले ढूंढे हैं जिन्होंने पहले एक वैनिटी वैन बनाई भी है, तो अब उनसे काम करवाऊंगा तो वो मंगलवार को मतलब कल आ जाएंगे और कल से फिर लकड़ी का काम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये बैटरी का और इन्वर्टर का बॉक्स ही बनवाऊंगा ताकि इनको फिर उसमें आराम से सेट करके देख सके। और अब अगली चीज़ है दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसको चार्जिंग होने में कितना टाइम लगेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ज़्यादातर लोग आप यही पूछोगे ये वीडियो डालने के बाद। तो चार्जिंग होने में इस बैटरी को इस इन्वर्टर के साथ अगर मैं सोलर से चार्ज करता हूँ, तो मैंने 1220 वोट के सोलर अपनी छत पे लगवाए हैं कैंपर वैन के, तो वो इसको पूरा चार्ज करने में लेंगे 5 से 6 घंटे। और जो ये बैटरी अगर मैं गाड़ी से चार्ज कराऊंगा, तो गाड़ी का जो अल्टरनेटर है उससे अगर ये बैटरी चार्ज कराऊंगा तो इसको लगेंगे सिर्फ 2 घंटे। तो 2 घंटे में ये बैटरी कंप्लीट चार्ज हो जाएगी। और दोस्तों आपको तो इतना तो आइडिया है ही कि गाड़ी जब चलेगी तो डेली एटलीस्ट 3-4 घंटे तो चली जाती है गाड़ी, बैटरी की चार्जिंग की समस्या नहीं रहेगी और बैकअप इसका अच्छा है।
6000 वोट के करीब इसका बैकअप है और 550 से 5800 के बीच में ये इसका आउटपुट दे देगी। तो टोटल मिला के मेरा जो पावर का मैनेजमेंट का जो सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कन्वर्टर वगैरह 2-3 चीज़ें और लगेंगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब आपकी ये गाड़ी के अंदर फिट हो जाएंगी, तो उस टाइम कन्वर्टर वगैरह सब चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। और इस इन्वर्टर से और बैटरी से दो तरह की आउटपुट निकलेंगे, एक DC आउटपुट निकलेगा और एक AC आउटपुट निकलेगा। तो गाड़ी में मैं दोनों ही फिटिंग प्रॉपर कराऊंगा, हर जगह पर DC की भी फिटिंग होगी और AC की भी वायरिंग फिटिंग होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि इसका प्राइस। अब जो ये बैटरी आप देख रहे हो, ये बैटरी मुझे पड़ी है 1,20,000 रुपये के करीब, या 20 या 25 के बीच में है। एग्जैक्ट मुझे अभी बिल मिला नहीं है, बंदे ने पूरी दी नहीं इन्फॉर्मेशन, बट 1,25,000 के करीब आप इसको मान के चलो ये बैटरी पड़ी है मुझे। इन्वर्टर शायद ये एग्जैक्ट मुझे प्राइस अभी याद नहीं है, पर्चे में देखना पड़ेगा, बट ये इन्वर्टर भी शायद 18,000 रुपये के करीब का इन्वर्टर है। और बाकी जब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा जो पावर मैनेजमेंट की सारी चीज़ें हैं, जैसे सोलर है, कन्वर्टर है, अल्टरनेटर है, या इन्वर्टर है, या बैटरी है, वो सारी चीज़ें कितना उसका टोटल कॉस्टिंग आई है वो प्रॉपरली आपको डॉक्यूमेंट पे लिख के एक वीडियो में प्रॉपरली बताऊंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। और दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। आप लोग जो कमेंट करते हो मैं हमेशा उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स लोगों के मिलते हैं, सजेशंस भी मिलते हैं, उससे मुझे कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलती ही है। तो ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार बनाए रहिए, कमेंट्स करते रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।